लगातार दो हत्याओं से थर्राया बहराइच। नवागंतुक एसपी विपिन मिश्रा के कार्यभार संभालते ही अपराधियों ने जनपद बहराइच में दो जघन्य हत्याओं को अंजाम देकर बड़ी चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि नवागंतुक एसपी विपिन मिश्रा ने 23 फरवरी को जनपद बहराइच के एसपी का कार्यभार संभाला है। एसपी के कार्यभार संभालते ही जिले में दो बड़ी घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है। एक ओर श्रावस्ती से माता पिता के साथ गाजी की दरगाह पर जियारत को आई 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसका शव दरगाह परिसर से बाहर सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस घटना के महज कुछ घंटे ही बीते थे कि कैसरगंज इलाके में नवजात बच्चे के साथ घर में सो रही विवाहिता को गोली से भून दिया गया। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद इलाकाई पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी घटनाएं जिले की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगी हैं। ये थाना कैसरगंज के गांव रमुआपुर में अंजनी पत्नी दीनबंधु वर्मा पुत्र बिंदेश्वरी वर्मा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में मृतका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपने घर में अकेली थी घटना के समय और गनशॉट से उसको मारा गया है। वादी इसके पति हैं दीनबंधु वर्मा, उनकी तहरीर पर हम लोगों ने अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसके गिरफ्तारी के लिए और अनावरण के लिए एसओ को निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही इसका अनावरण कर लिया जाएगा। दरगाह में वाले जो बच्ची की हत्या है उसमें कुछ लीड हमें मिली है और कुछ संदिग्धों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। शीघ्र ही इसके बारे में आपके समक्ष जो है वो खुलासा किया जाए।